हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार, जय सु। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, और आपकी प्रार्थना और दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि क्यों ना सूर्य की सफाई कर ली जाए। तो आज मैं यही कर रही हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही, सुबह सबसे पहले उठ करके मैं यहाँ की साफ सफाई में ही लग गई हूँ। आज बहुत दिन के बाद बेटी का मालिश हुआ है।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हो गई है नेक्स्ट डे, चर्च भी जाना था। पर तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं नहा धोवा करके रेडी हूँ, बट तैयार होने में मुझे टाइम लग जाएगा और चर्च का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं चर्च नहीं जा रही हूँ। चर्च तो जाना था, अब डायरेक्ट मैं 1 बजे जाऊँगी पार्टी के लिए, रिसेप्शन के लिए। तो थोड़ा डांट तो पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं, अभी रास्ते में हैं और रास्ते में काफ़ी जाम जाम मिलता जा रहा है। और बेटी को देखिए, वो रेडी हो करके बड़े आराम से बैठ करके बाहर का नज़ारा ले रही है। हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं अभी पार्टी, तो मिलते हैं वहाँ पे पार्टी। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ अभी शादी में, जहाँ पे मैं आने वाली थी, और मैं काफ़ी लेट पहुंची हूँ। सारा प्रोग्राम शुरू हो गया है और आपको किन्हीं से मिलाती हूँ। हाय करो बाबू, अपना नाम बतला दो। नाम एडविथ लुगुन। ये मेरी फ्रेंड का बेटा है, ये अभी हमको बोला, अभी तुरंत बोला कि मैं बहुत आपका सारा वीडियो देखता हूँ बोला, और अभी बोला कि मौसी को बोलिए कि अभी बनाने के लिए यूट्यूब, तो इनको भी यूट्यूब में आने का मन है। अच्छा लगा। अरे और पीछे से और एक ये भी है मेरा बेटा जो बदमाश। अपना नाम बतला दो। मम पता चला कि काफी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमको जान करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो जान करके हमको आज सच में बहुत खुशी हो रहा है कि काफी लोग मेरे वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी है, सब्सक्राइबर है, हम लोग भी देखते हैं। हमको जान के सच में हमको बहुत खुशी हो रहा है। तो आज हमको एक्चुअल में खुशी हो रहा है, हम तो सीखे देखता है। और एक बात बतला रही हूँ, और यहाँ पे है दूल्हा दुल्हन। तो फ्रेंड्स, पहले चलते हैं दूल्हा दुल्हन को कुछ गिफ्ट दे लेते हैं, उसके बाद में फिर बैठ के बातें तो होती रहेंगी।
तो फ्रेंड्स बेटी के साथ एंड दुल्हा दुल्हन के साथ में फ़ोटो खिंचवाने के बाद एंड फ्रेंड्स के साथ में बैठ के काफ़ी देर हम लोगों ने बातें किया। एंड फ्रेंड्स सारे लोग तो बेटी के साथ ही फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे थे और उसके साथ में फ़ोटो खिंचवा भी रहे थे। तो सारे कुछ करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। एंड फ्रेंड्स मुझे तो सादा चावल पार्टी में खाना पसंद नहीं है, तो मैंने पुलाव लिया है और ये नान लिया था। नान इतना टेस्टी था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने दो क्यों नहीं लिया, एक ही क्यों लिया। तो खैर कोई नहीं, तो सारा कुछ ही जो भी कुछ बना हुआ था, जितने भी सारे चीज़ थे वो सारे बहुत टेस्टी थे, खाकर बड़ा मज़ा आया। तो फ्रेंड्स मैं अभी पार्टी से घर आ चुकी हूँ, मैंने अपना ड्रेस सारा चेंज कर लिया है, अब जा रही हूँ मेकअप सारा धोने के लिए। मतलब मेकअप तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, पर जो भी है मैं अपना फेस क्लीन करने जा रही हूँ। फिर और ये यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने आपको पहले नहीं दिखलाया। हाँ तो ये इस तरह से सजा हुआ था, अभी सामने में नज़र आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ, आप लोगों को दिखला दूँ। तो फ्रेंड्स आज हो गई है नेक्स्ट डे, नहीं एक्चुअली नेक्स्ट डे नहीं, बीच में एक दिन था फिर उसका नेक्स्ट डे हो गया है। तो मैंने जो बीच में जो गैप एक दिन था, मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये थी पार्टी रिसेप्शन की, जो आपने देखा कि मैं शादी पे गई थी, शादी पार्टी पे, उसकी रिसेप्शन की पार्टी है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैंने अपने वीडियो का एंडिंग भी ले लिया था, बट ये जो बच्चा है इसने मुझे बोला कि रश्मि मासी आप प्लीज़ व्लॉगिंग कीजिए, आप वीडियो बनाइए, मेरा भी वीडियो लीजिए। और ये इतने अच्छे से यहाँ पे बात कर रहा था, यही इंट्रो शूट किया था और इसने ही बतलाया कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। वो मैं एक्चुअली डालना चाह रही थी, बट अफसोस कि मैं वो डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में इतना लाउड म्यूजिक बज रहा था कि ये मुझे म्यूट करके फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं इसके साथ में जरूर एक वीडियो बनाऊंगी और जिसके लिए वो ही इस बच्चे को ही मैं दूंगी, तो मैं बाबू से ही होस्ट करवाऊंगी। एंड फ्रेंड्स देखिए हाँ, पार्टी में आके भी मैं ये बिस्किट का पैकेट खोल रही हूँ, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है। तो सोचा क्यों ना एक एक दो दो पीस चख लिया जाए कि आजकल के बिस्किट कैसे लगते हैं। ये मिल्क बिस्किट है, तो पहले तो ये काफ़ी अच्छे लगते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए, लेकिन आज भी इसका टेस्ट वैसा ही है, बहुत अच्छा। ले मम्मी तुमको पापड़ खिला रही है, ले ठीक मम्मी नहीं है, आपने बड़ा पैकेट रख लिया है खाने के लिए। कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा।
हम तो अभी से आवल है साड़ू से पूछे मेरा तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो का अंत यहीं पे करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।